नमस्कार आदाब, स्वागत आप सभी का लाइव इंडिया न्यूज़ में। और इस वक्त हम लोग वार्ड नंबर 64 में हैं और आपको हम बताना चाहेंगे कि इलेक्शन चल रहा है और हमने इससे पहले भी काफ़ी सर्वे आप लोगों को दिखाया था। तो अब हम लोग डोर टू डोर जाते हैं और आइए हम लोगों के मुद्दे जानते हैं। और लेडीज़ लोग, जो लेडीज़ होती हैं, जो आपको पता है लेडीज़ हाउसवाइफ भी होती है, लेडीज़ वर्किंग लेडी भी होती है, तो आइए लोगों का, लेडीज़ का क्या ओपिनियन है हम जानते हैं। हम लोग तो ममता बनर्जी को ही देते हैं, हमेशा वो हम लोग का काम भी करती है, बात भी सुनती है, इसीलिए हम लोग उनको बहुत चाहते हैं। हम लोग ममता दीदी है, उन्होंने जितनी योजना निकाली है तो सब हम लोग को मिला, बहुत फैसिलिटी मिला, स्वास्थ्य कार्ड से, अभी तो हम लोग बीमार पड़े नहीं, अभी तो वहाँ तो हम लोग पहुँचे नहीं है। अच्छा ये बताइए कि क्या लगता है कि अगर टीएमसी यहाँ से जीत जाएगी तो आगे और भी लोग आसानी से रह सकते हैं? बहुत आसानी से, बहुत हम लोग को मदद, बहुत अच्छे से हम लोग यहाँ पे हैं, कोई टेंशन नहीं, कुछ नहीं, बहुत अच्छे से हम लोग हैं। अब वार्ड के काउंसलर प्रेसिडेंट लोग जो हैं वो लोग कैसे बहुत काम कर रहे? बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। हम लोग का मिंकू बाबू जो हैं वो हमेशा हम लोग खबर लेते रहते हैं कैसे हो, खुद कुछ भी हुआ तो हम लोग जाकर उन्हीं को ये कहते हैं। कभी को कोई परेशानी हुआ तो आप लोग को वार्ड के लड़कों आपको क्या मदद मिली अब तक? सब उन्हीं लोग से असल मदद तो मिलता है हम लोग को, उन लोग को बोलते हैं लोग आगे फॉरवर्ड करते हैं, फिर वही लोग मदद ला के हम लोग को देते हैं, हम लोग को वहाँ तक पहुँचाने जो होते हैं, यही लोग सब कुछ करके ला के हम लोग बोल दिया, हम लोग का काम हो गया। टीएमसी कार्यकर्ताओं से, टीएमसी के सरकार से आप खुश हैं? खुश हैं, बहुत खुश हैं, बहुत खुश। आपका क्या नाम है? इर्दोस बेगम। आप बताइए कि लोकसभा चुनाव है तो चुनाव के वक्त में क्या होगा, कौन जीत रहा है? ममता बनर्जी। ममता बनर्जी जीतेगी बंगाल से। अच्छा ये बताइए, माला रॉय जो है टीएमसी के कैंडिडेट, यहाँ पे माला रॉय है, तो माला रॉय को कितना वोट से आप लोग जिता रहे हैं? बहुत सारा वोट से जीता है। पूरा हम लोग का मोहल्ला, पूरा मोहल्ला हम लोग उसी को दे रहे हैं, जितना हम लोग के तो बाड़िया में इतना आदमी है, कुछ कह लेने नहीं। अच्छा फायदा मिला सरकार की योजनाओं से? हाँ हम लोग को मिला है। क्या क्या, स्वास्थ्य साथी कार्ड ये सब वगैरह है? हर चीज, हर एक चीज। भंडार का पैसा मिलता है? हाँ मिलता है। हम लोग को बहुत हेल्प, अभी हम लोग को 1000 रुपया करके मिला है लक्ष्मी भंडार से। बस यही चाहेंगे हम लोग का, ममता दीदी जीत जाए, मोदी हार जाए, यही चाहेंगे। मोदी से क्या दिक्कत है? बहुत परेशानी है, बहुत परेशानी हर चीज में। योजना निकली है उसमें आपको कुछ फायदा मिला अब तक? स्वास्थ्य साथी कार्ड, हाँ बच्ची के लिए थोड़ा सा कुछ हेल्प हुआ, और फिर लक्की भंडार तो आता ही है। कितना मिलता है? 1000 रुपया, इस महीने से 1000 रुपया हुआ। अच्छा ये बताइए कि वार्ड में काउंसिलर हैं और जो भी वार्ड के कार्यकर्ता है, वार्ड के प्रेसिडेंट है, वो लोग सपोर्ट करते हैं आप लोग को कभी कुछ होता है? हाँ आंगन का ही तो सब है साथ में, इनका सपोर्ट मिलता है। हाँ अरे कभी कोई परेशानी दिक्कत हुई तो आप लोग को बोलने से काम करते हैं? हाँ हाँ, हाँ। ममता बनाई है हम लोग का, ऐसा बात नहीं है, हम लोग झूठ नहीं बोला, आंगन उंगन सब बनाए, लेकिन हम लोग का नल का भी प्रॉब्लम है, अभी नल का गंदा पानी आ जा रहा है, वहाँ बनाना है, वहाँ बाहर में भी सब पूरा चूरा खोद खोद के गंदा कर दिया, उसको भी बनाना है। अच्छा तो वार्ड का काउंसलर और वार्ड के प्रेसिडेंट लोग काम करते हैं ठीक से? हाँ करते हैं, वो ममता ही जीतेगी और क्या, वो तो इसको वोट दे रही हम तो देखिए ममता ही को देंगे और किसको देंगे वोट, ममता दी तो है यहाँ के कैंडिडेट जो है वो माला रॉय है, तो माला रॉय का क्या लगता है क्या होगा इस बार? राइट है वो भी सही, वो कैसा भी लेडीज है, वो भी लेडीज, हाँ लेडीज और क्या, कॉन्फिडेंस वही जीतेगी और कौन जीतेगा बताइए, वही जीतेगा और क्या, ममता ही जीतेगी और वही उन्हीं को तो वोट देंगे, वही तो यहाँ का है और कौन है बोलिए नाम। अच्छा ये बताइए कि लोकसभा चुनाव है तो इस बार बीजेपी भी है, टीएमसी भी है और भी पार्टी है, तो कौन जीतेगा इस बार? ममता ही जीतना चाहिए, ममता ही जीत रही है। क्या क्या फ़ायदा मिला आपको? हम लोग को तो फायदा कुछ नहीं है, अभी कुछ नहीं देखने पा रहे फायदा, पर फिर भी वो जीतने से ठीक ठाक है। अब मोदी तो बहुत प्यार किए हैं, जो उसका प्यार का बारे में बता नहीं सके। बीजेपी से क्या दिक्कत है आपको? दिक्कत है आपको क्या बताएं आप लोग को? खुल के बोलिए। हाँ है तो नोटबंदी करके तो सबसे खराब किया, सबको मार दिया खाने खाने बिगर नोटबंदी का, जिस टाइम नोटबंदी किया उस टाइम मेरा हस्बैंड जो है वो हॉस्पिटल में भर्ती है, बैंक से पैसा नहीं उठाने दे रहा था, बहुत तकलीफ दी है रिजवाना पर भी। अच्छा इलेक्शन आ रहा है तो इलेक्शन में आप लोग भी वोट देने जाती होंगी?
क्या लग रहा है आपको इस बार कौन जीतेगा? ममता जी जीतेंगी जी। ममता के जो कैंडिडेट हैं यहाँ पे साउथ कोलकाता में माला रॉय, तो माला रॉय कैसा काम कर रही है, उनके नेतृत्व में कैसा काम हो रहा है यहाँ? माला रॉय के बारे में तो हम पहले बार सुन रहे हैं और उनके बारे में क्या बोलेंगे, लेकिन हम लोग तो चाहते हैं ममता जी जीते, और क्या और क्या बोलेंगे और क्या? हाँ, उनको जीतने से तो फायदा है, मेरा वोट तो पूरा डन है, उसी को मिले। हाँ, उन्हीं को देना चाहिए। वोट से कितनी मदद मिलती है लड़कों से, यहाँ के कार्यकर्ताओं से? ऐसे तो अभी हम नहीं देख रहे हैं, हम तो फिलहाल 2 साल से यहाँ पे, पहले हम यहीं के पैदा है, यहीं के है, लेकिन 2 साल से तो कंटिन्यू रह रहे हैं। शादी होने के बाद तो हम अपने गांव में रहते थे और यहाँ 2 साल से रह रहे हैं, लेकिन ममता जी जीते तो बहुत फायदा है। ठीक, ममता दीदी बहुत की है हम लोग कोलकाता में, बहुत इम्प्रूवमेंट हुआ है, डेवलप हुआ है अच्छे से। और ममता दीदी जब से आई है तब से लेडीज़ को भी 500 करके दे रही थी, अभी 1000 रुपीज़ दे रही है, बहुत इम्प्रूवमेंट है ममता जब से आई है। ममता जी जी जी, उन सबका वोट उन्हीं को ही जाएगा। देखिए, हम लोग कोशिश कर रहे हैं जीतने का और हम लोग जीत रहे हैं, ये कन्फर्म है हम लोग। अब रहा सवाल, आप तो घर तो हर पब्लिक का हमारे घर जा रहे हैं आपके वार्ड में, तो घर में आपको रिस्पांस क्या मिल रहा वो आप समझ जाइए। इधर मतलब हम लोग तृणमूल कांग्रेस, ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी, माला राय। ममता बनर्जी के नाम पे वोट हो रहा है या माला राय के नाम पे वोट? ममता बनर्जी, माला राय, M2M। माला राय जीत रही है कि नहीं जीत रही है? 100% और अच्छा मार्जिन से जीतेंगी। देखिए माला राय, आप हम तो नहीं बता सकेंगे आपको, आप तो घर डोर टू डोर आप जाके देख चुके हैं कैसा काम हो रहा है, हमारा बताना ठीक नहीं होगा। बीजेपी से क्या प्रॉब्लम है? बीजेपी से क्यों भाई? देखिए गर्मी जो हो रहा है ना, पसीने निकल रहा है, तो नहीं नहीं चाह रहे कि हम लोग जिस्म के अंदर से बीजेपी निकल जाए। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अब हम तो चाहेंगे कि नरेंद्र मोदी जी को थोड़ा आराम दिया जाए। कैसा आराम? अरे आराम मतलब वो घर में बैठ गया या फिर पुलिस लॉकअप में बैठ गया? के एंड सन्स में 916 हॉलमार्क गोल्ड और स्टाइलिश डायमंड के अलावा सिल्वर में भी बहुत कुछ अवेलेबल है। चांदी का तश्त, बट्टी, मछली, अतरदान, पायल और बच्चों का बाला भी यहां आपको मिलेगा, जो सिर्फ 500 रुपए से स्टार्ट होता है। इसके अलावा गोल्ड में नेकलेस, बैंगल्स, चेन्स, ब्रेसलेट्स, इयर रिंग्स भी मिलेगा, जो आपकी खूबसूरती को 4 चांद लगा देगा। तो जल्दी कीजिए, इनका एड्रेस है 16x1B तोपसिया रोड, साउथ कोहिनूर मार्केट, कोलकाता 46। कॉन्टैक्ट नंबर है 8100650651।